स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल अकीशास कॉर्नर में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन, घर पर कैसे बनाई जाए, क्या क्या डाला जाता है इसमें, और एकदम खिली खिली अलग अलग नूडल्स किस तरह से बनाए हैं बिना चिपके। तो इसकी रेसिपी आज सबसे शेयर करूँगी कुछ ट्रिक्स के साथ, इसको किस तरह से बनाएं घर पर एकदम बाहर जैसा टेस्ट आए इसका। तो उसकी रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ। अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 200 ग्राम नूडल्स। तो नॉर्मल नूडल्स आपको कहीं भी आपके पास की दुकान से मिल जाएंगे बहुत आसानी से। तो इसको हमें बॉईल जो करना होता है गर्म पानी में बॉईल करना होता है। तो मेरी पहली जो ट्रिक है वो यही ही है कि हमें इसमें ठंडे पानी में बॉईल करने नहीं रखना होता है, पहले पानी को गर्म कर लीजिए उसके बाद ही नूडल्स को डालिए। तो 2 से 4 मिनट के बीच में आप इसको चेक कीजिएगा हाथ से हिलाते हुए। तो सेकेंड ट्रिक जो है मेरी यही है कि इसको इस तरह से, ये देखिए तार की तरह ये जो हिल रही है ना, तो इतना में नूडल को पकाना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता है क्योंकि ये थोड़ा सा अपने आप ही कढ़ाई में जाकर और कुक होता है। तो इसलिए इसको, और फिर सेकंड, तो हमारी सेकंड ट्रिक ये थी। और थर्ड ट्रिक मेरी यही है कि इसको छान लीजिए तुरंत जब भी कुक हो जाए और उसमें ठंडा पानी डाल दीजिए ताकि वो ओवर कुक ना हो, यानी कि और कुक होना बंद कर दें। अगर वो गर्म रहेंगे तो वो और कुक हो जाएंगे। तो ये थर्ड ट्रिक थी मेरी। तो आगे चलते हैं। तो अब जब तक वो ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इस वेजीज को काट करके रेडी कर लेते हैं। तो मैंने प्याज ले ली है, उसको लंबा लंबा काट लेंगे। तो जो मेन जो हमारी सब्जियां हैं वो प्याज, शिमला मिर्च और गोभी होती है, और बाकी आप कोई भी और आपके वेजीज पड़ी हो, गाजर हो, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये मैंने प्याज को काट लिया, उसको मसल लिया हाथों से ताकि अलग अलग हो जाइए। और इसी तरह से मैं लंबाई में काटूंगी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी मैंने ले लिया है और उसको भी मैं लंबाई में इस तरह से कट कर लूँगी। ये देखिए तो सिंपल है, बहुत आसानी से जो हमारी वेजीज हैं वो कट कर रेडी हो जाएंगी। इस तरह से लंबा लंबा काट लीजिए। और ये मैंने गोभी ले ली है, उसको भी इस तरह से लंबा लंबा कट कर लूँगी। तो चाउमीन हमारी घर पर बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाती है। ये देखिए इसको भी मैंने लंबा लंबा कट किया, तो सारी वेजीज मैंने काट करके रेडी कर ली हैं। और इसी के साथ मैंने लिया है कुछ और, जैसे कि मैंने लिया है हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, और इसके साथ ही मैंने 1 बड़ा चम्मच मैंने लहसुन लिया है और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी इसमें। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में डालिए 2 बड़ा चम्मच ऑयल, उसको गर्म होने दीजिए। और तब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम चाउमीन को देख लेते हैं। चाउमीन हमारी ठंडी हो चुकी है और इसमें 2 चम्मच इसमें आप रिफाइंड ऑयल मिला दीजिए, जिससे कि चिपकना चिपके नहीं आगे जाके। तो इसको अच्छे से मिला दीजिए ऑयल डाल करके, बस इसको मिला दीजिए। ये देखिए इस तरह से, इसे आगे बिल्कुल भी आपके नूडल्स जो है वो चिपकेंगे नहीं। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम हरी मिर्च और जो हमारा लहसुन का पेस्ट था ना वो भी इसमें डाल देंगे। तो लहसुन का पेस्ट चाइनीज चीज़ में डाला जाता है जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, जो लंबी लंबी प्याज काटी थी वो, साथ ही सारी वेजीज डाल देंगे कि जो सारी ही वेजीज होती हैं वो अच्छे से पक जाएंगी। और इस तरह से मैं इसमें डाल देती हूँ शिमला मिर्च, और ये थोड़ी सी मेरे पर रेड वाली पड़ी थी तो मैंने थोड़ी सी वो भी डाल दी है, और इसमें गोभी डाल दी है मैंने। तो सबको अच्छे से पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, कुक नहीं करना है बहुत ज़्यादा, थोड़ी पक जाए थोड़ी सी कच्ची रह जाए, यानी कि 50% इसको हमें पकाना है और 50% को कच्चा रखना है। तो 2 मिनट आप इसको पकाइए, 2 मिनट में ये वेजीज हैं वो पक कर तैयार हो जाएंगी। इस तरह से उसको चलाती रहिए, और ये सारा प्रोसेस आपको हाई फ्लेम पर करना है क्योंकि जो जितने भी चाइनीज़ फूड होते हैं हाई फ्लेम पर बनाए जाते हैं, स्मोकी किया जाता है जिसको उन्हें। तो ये जो हमारी सब्जियां हैं पक चुकी हैं, ये देखिए। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ नूडल्स। तो नूडल्स डालने के बाद आपको इसमें सबसे ऊपर डालना है हमें चिली सॉस। तो जो चिली सॉस होता है ये डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच, और इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है सोया सॉस, और आधा चम्मच डाला है मैंने इसे विनेगर, और काली मिर्च डाल दीजिए और इन सबको अच्छे से मिला दीजिए। आपके पास अजीनोमोटो हो तो वो भी डाल सकते हैं आप, तो अजीनोमोटो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इस तरह से इसको मिला दीजिए। अगर आपसे इससे ना मिलाया जाए तो एक अच्छी ट्रिक है कि आप इसको चिमटे से मिला दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से इसको मिला दीजिए अच्छे से, तो अच्छे सा और अच्छे से मिल जाए, जैसे कि चिमटे ले सकते हैं आप उससे अच्छे से मिल जाएगी। तो बस इसको अच्छे से मिला दीजिए और कुछ सेकेंड्स इसको और पकाना है, और हमारे नूडल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बस सारे ही जो हमने जो मसाले डाले हैं, जो सारे सॉसेस डाले हैं, अच्छे से उसको मिला लीजिए, और जो हमारी चाउमीन बनकर रेडी है। तो ये देखिए बस इसी तरह से हमारी चाउमीन बनकर तैयार हो जाएगी घर पर। एकदम अलग अलग नूडल्स होंगे और परफेक्ट हमारी चाउमीन घर पर बनकर तैयार हो जाएगी एकदम बाहर जैसी।
ये देखिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।